नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्लैंड फार्मा के IPO में लगातार तीसरे और आखिरी दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको बता दें कि ग्लैंड फार्मा का जो IPO है 9 नवम्बर से 11 नवंबर तक ओपन था अप्लाई करने के लिए, यानी कि आज उसकी लास्ट डेट है। और कल और परसों यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख का जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, मैं रिवाइज करा देता हूं। 9 तारीख को जो सब्सक्रिप्शन हुआ था ओवरऑल मैं बता रहा हूं वो लगभग 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। वहीं 10 तारीख को जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो लगभग 0.22 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था, यानी कि जो शेयर हैं उसके लगभग 1/4 भाग ही भर पाया था। अब बाकी बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज ये थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हो चुका है, और इतना सब्सक्राइब हो चुका है कि कम से कम ये मार्केट में लिस्ट हो सकता है। आपको बता दें कि इस IPO के साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए थे, और एक फैक्टर चाइना वाला था जिसमें जो OFS के जरिए पैसा आने वाला है वो चाइना जाने वाला है ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है भी। आपको बता दें कि OFS के जरिए जो इशू आया है वो लगभग 5,229 करोड़ का आया है। ये इशू जो है डायरेक्टली जो OFS के जरिए पैसा आता है वो प्रमोटर्स की जेब में जाता है, और जो इसके प्रमोटर्स हैं वो चाइनीज़ हैं, यानी कि ये पैसा पूरा चाइना जाने वाला है। और जो फ्रेश इशू आया है 1,250 करोड़ का वो इंडिया में ही रहेगा, वो इंडिया में कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा फैक्टर रहा है कि ये IPO काफ़ी कम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि इस IPO की जो बैलेंस शीट है, जो हिस्ट्री है या जो ग्रोथ है, ईयर दर ईयर जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत तगड़ी बैलेंस शीट है इसकी। अगर ये IPO कुछ ये चाइनीज फैक्टर ना आया होता इस IPO में तो ये IPO बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला था। दूसरा फैक्टर ये भी है कि यहां पर जो प्राइस बैंड है वो काफी ज्यादा रखा गया है। प्राइस बैंड जो है 1490 से लेकर 1500 के बीच में रखा गया है, जो एक रिटेल निवेशक को बहुत ज़्यादा लगता है। भले ही वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कम हो लेकिन ये आम निवेशक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। आप 15,000 रुपये दोगे उसमें आपको केवल 10 शेयर मिलेंगे, तो ये आम निवेशक समझता है, जो रिटेल निवेशक होता है उसको लगता है कि भाई 15,000 रुपये में हमें मात्र 10 शेयर मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ पर जुड़ जुड़ कर एक बड़ा फैक्टर बना, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम देखने को मिला। आज का सब्सक्रिप्शन अगर हम देखेंगे तो ये सम्मानजनक कह सकते हैं, लेकिन इस शेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम QIB कैटेगरी में बात करें तो ये 6.40 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। वहीं NII कैटेगरी में बात करें तो ये आधा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जितने शेयर थे उनके आधे के लिए ही बोली लगी है, बाकी ये बचे हुए हैं। अगर रिटेल निवेशकों जैसे हम जैसे छोटे निवेशक हैं उनने हमारा पूरा साथ दिया है, हमने उनसे अपील की थी कि ये चाइना जो पैसा जाने वाला है तो प्लीज़ इस IPO को सब्सक्राइब ना करें, तो उन्होंने देखो कई सारे यूट्यूब चैनलों ने भी ये वीडियो बनाया, TV-ओं पर भी आया कि भाई जो OFS के जरिए पैसा आएगा वो चाइना जाएगा, इसका काफी इफेक्ट पड़ा है लोगों पर। और यहां पर ये 0.24 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जितने शेयर थे उसके 1/4 भाग ही सब्सक्राइब हुआ है, बाकी शेयर बचे हुए हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल जो ये सब्सक्राइब हुआ है लगभग 2.05 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इसमें से जो शेयर बचेंगे, क्योंकि ये तो 1/4 भाग ही सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें से जो शेयर बचेंगे वो इनको जाएंगे, इसमें से जो शेयर बचेंगे वो भी इनको जाएंगे, यानी कि हर दूसरे बंदे को एक जो लॉट है वो अलॉट हो जाएगा। इसमें मिलने की कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये IPO जो है इतना सब्सक्राइब हुआ है, आपको ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप IPO वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्रिप्शन का हाल देखकर ही हमें पता चलता है कि भाई इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है। आपको बता दें कि पिछला जो IPO आया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसमें जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था वो 1.95 टाइम्स था, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो
था वो 1.95 टाइम्स ही था, लेकिन उसमें जब लिस्टिंग हुई तो अपन ने देखा कि लगभग 33 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले वो करीब 31 रुपये पर इशू होता हुआ नज़र आया, मतलब 2 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर ये ओपन हुआ। अगर हम इसको टोटल राशि में कन्वर्ट करें, टोटल अमाउंट में कन्वर्ट करें, तो जिसने भी इस IPO का एक लॉट अप्लाई किया होगा और उसको ये लॉट मिल गया होगा, उसने लिस्टिंग के समय ही इसको अगर बेचा होगा तो उसको लगभग 900 रुपए का नुकसान हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉट साइज था वो 450 शेयर का था और 2 रुपए डिस्काउंट प्राइस पर ये ओपन हुआ, तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो लगभग 900 रुपए का उसको नुकसान हुआ होगा। लेकिन IPO अच्छा था तो धीरे धीरे करके वो बढ़ गया और अभी 33 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, यानी कि इशू प्राइस से ऊपर पहुंच गया है। तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो बेच सकते हैं या फिर उसको होल्ड करके थोड़ा और मुनाफा के लिए वेट कर सकते हैं। बात करें इस IPO की, इसमें लिस्टिंग गेन का जो चल रहा है वो अभी ग्रे मार्केट में, अगर हम प्राइस की बात करें तो ग्रे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो करीब 50 रुपए के करीब चल रहा था परसों, और अगर आज की बात करें तो आज 25 रुपए के करीब पहुंच गया है, यानी कि 1500 रुपए का एक आप शेयर खरीदेंगे और वो लिस्ट होगा 1525 रुपए पर। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और अगर मान लीजिए जो 10 शेयर हैं आपको एक लॉट में 10 शेयर मिलने वाले हैं, 25 रुपए आपको यहां पर लिस्टिंग मिला, तो आपको टोटल जो मुनाफा होगा वो 250 रुपए का होगा। भाई 250 रुपए का मुनाफा लेने के लिए आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? कुछ भी खरीद लीजिए ना मार्केट में, आपको एक ही दिन इंट्राडे में 2 शेयर रिलायंस के खरीदेंगे और आपके मुताबिक बढ़ गए तो आपको इतना मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी इस IPO में, आपको थोड़ा दिमाग से काम इसमें लेना था। जिसने लिया है, देखिए मैक्सिमम जो रिटेल निवेशक हैं हमारे, उन्होंने दिमाग से ही काम लिया है। उन्होंने अप्लाई, उन रिटेल निवेशकों ने अप्लाई किया है जिन्होंने केवल और केवल इसकी बैलेंस शीट पढ़ी है, ठीक है, उनको और कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ ली और मार्केट में पैसा लगा दिया इसके लिए उन्होंने। और ऐसे भी रिटेल निवेशक हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं और उनको लगता है भाई कोई IPO आया तो मुझे तो अप्लाई करना ही है चाहे वो जैसा हो, तो उन लोगों ने अप्लाई किया। अब आप आंकड़ा ही देखें, आंकड़ा यहाँ पर 0.24 टाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है रिटेल निवेशकों में, क्योंकि ये आंकड़ा दूसरे जो IPOs हैं। अब आप बोलोगे कि इसका जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो बहुत ज़्यादा है इसीलिए इतना कम सब्सक्राइब हुआ है ना, क्योंकि ज़्यादा शेयर हैं। तो भाई SBI कार्ड का भी तो ज़्यादा था, उसमें तो 10 गुना हो गया था, इसमें क्यों इतना कम हुआ? तो देखिए, टाइम टाइम की बात है और IPO की बात है, लोग समझदार हैं, समझते हैं भाई चाइना से क्या दिक्कत है और चाइना के प्रमोटर वाली कंपनी को हमें खरीदना है नहीं खरीदना, सब समझते हैं भैया, जनता सब जानती है, ठीक है ना, वो बताती नहीं है लेकिन सब जानती है और वो दिखता भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसने कहा कुछ नहीं लेकिन बता दिया आंकड़ों से, ठीक है ना। जो QIB कैटेगरी के लोग हैं भाई, ये तो करते ही करते हैं, इनको तो करना ही पड़ता है, इनका काम ही यही है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, ये फाइनल आंकड़े हैं, इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है क्योंकि ये 4:39 पर मैंने निकाले हैं, टोटल टाइमिंग 5 बजे तक रहता है, तो हो सकता है इसमें 19-20 हो जाए, लेकिन फाइनल आंकड़े इसी को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी थी और आपको मज़ा भी आया होगा इस वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, आपको अपडेट सबसे पहले देता हूँ, जो भी चीज़ होने वाली है, IPO हो गया, शेयर मार्केट में कुछ भी न्यूज़, सबसे पहले आपको अपडेट देता हूँ। तो आप यहाँ पर केवल और केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी को ये सब चीज़ें पता चलती रहें और सभी अवेयर हो सकें। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।